माँ घूमने लगे उसको पीने खाने के बाद तो वो भी हराम। हमने कहा मौलवी जर्जी इसने कभी जिंदगी में बीड़ी सिगरेट नहीं पी, लेकिन एक बार पी ले तो नशा तो नहीं आएगा लेकिन चक्कर जरूर आ जाएंगे। कहने लगा नहीं मकरू है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ बीड़ी सिगरेट में जो पैसा तुम खर्च करते हो, हाँ ये फजूल खर्ची है कि नहीं? हमने कहा इसको ऐसे समझाओ, लगा हाँ फजूल खर्ची तो है, पैसा तो जो जाता वो बेकार है। हमने कहा फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ताला ने शैतान का भाई कहा, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वाना शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान का भाई है। अब ये बताओ कि बीड़ी सिगरेट पीने वाले फजूल खर्ची करने वाले हैं या नहीं? कहाँ तो शैतान के भाई हैं या नहीं? यहाँ मैंने कहा शैतान का भाई बनना हलाल है या हराम? कहने लगा हराम। हमने कहा मकरूह तो नहीं है, मकरूह कहना चाहिए ना। कहने लगा नहीं शैतान का भाई बनना तो हराम। मौलवियों तुम भी नहीं बचोगे, ये अकरू मकरू बीच में घुसेड़ के पीने के रास्ते निकालते हो ना। ये मौलवी साहब पिएंगे जल्दी से वुजू बना के आएंगे मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे अल्लाह। ऐसे मौलवी को उस वक्त तक मुसल्ले पे खड़ा ना करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं नमाज नहीं होती, नमाज हो जाएगी, उसके पीछे आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन पूरी जमात का गुनाह उसके सर पे लादा जाए। तू जब हराम चीजें इस्तेमाल कर रहा है तो मुसल्ले इमामत के लायक नहीं, क्यों खड़ा हो रहा है? पूरी जमात का बोझ तेरे सर पे लादा जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे भाई नहीं समझते, हमारे मर्द लोग या औरतें नसबंदी करा लेते हैं। नसबंदी जानते हैं ना, बच्चों को रुकवा लेते हैं। अगर मजबूरी है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी जान नहीं बचेगी नसबंदी कराओ, तब तो जायज है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ बच्चे रोकने के लिए कि अब और बच्चा ना हो, मर्द करा लेते हैं या औरतों की करा देते हैं। इतना याद रखना, जिस मर्द की नसबंदी करा दी जाए या जिस औरत की नसबंदी करा दी जाए, सिर्फ उसका मकसद ये हो कि अब बच्चे पैदा ना हो, ये आदमी अगर मर जाए या ये औरत अगर मर जाए, तो ऐसे शख्स को मर जाने के बाद इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना और पढ़ाना जायज नहीं है। ऐसे मर्द की और ऐसे औरत की नमाज जनाजा पढ़ना और पढ़ाना जायज नहीं है। और ऐसे मर्द को और ऐसी औरत को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं है। ऐसे नसबंदी करने और कराने वाले मर्द या औरत जो मर जाए उनके लिए कब्रिस्तान पर जाकर दुआए मफरत करना भी जायज नहीं है। पढ़िए अब्दुल्लाह इब्ने बास के फतावे और पढ़िए शेख सालेह अल उसैमीन के फतावे। मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह की कुदरत को बदल रही हो तुम, अल्लाह तुम्हें बेटा बेटी देना चाहता है तुम रोक रही हो, तुमने कानून खुदाबंदी को बदलने की कोशिश की है। अल्लाह के रसूल ने इतना बड़ा आजाद इसी दुनिया में दे दिया, क्या मौलवियों जब तुम्हें पता चल जाए कि समाज में फला आदमी नसबंदी कराया हुआ है और वो मर जाए, तो उस आदमी की नमाज जनाजा तुम नहीं पढ़ा सकते। वो औरत मर जाए जिसने नसबंदी कराई और तुम्हें मालूम है, तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते हो, उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में भी दफन नहीं किया जा सकता है। कब्र पर खड़े होकर उसके लिए दुआएं मंजूर नहीं की जा सकती है, याद रखो। लेकिन हो रहा है, मौलवी साहब भी नमाज पढ़ा रहे हैं, भी दुआ हो रही है, दफन भी किया जा रहा है, क्योंकि इस बीमारी में बहुत से लोग मुलब्बस हैं। अगर मौलाना साहब जनाजा नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हीं को गांव का सरदार निकाल देगा, उन्हें फलां की लड़की का जनाजा नहीं, इसलिए तो ये रखा, उसको निकाल दे। मौलाना साहब भी मजबूर है। मेरे भाई इन मस्ते मसाइल को बदलने की कोशिश न करो, किताब और सुन्नत को अपनी जगह पर रखो, ये अल्लाह ताला की कुदरत को बदलने की कोशिश न करो। जो औरत अपने पेट के बच्चे को गिरा देती है बिना किसी उज्र बिना किसी बीमारी के, मियां बीवी मिले, हमल ठहर गया, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, डॉक्टर ने बता दिया लड़की है, अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब चार लड़कियां तो है ही, वैसे ये भी लड़की, कितने का दहेज देंगे? नहीं नहीं बताओ एबॉर्शन, और उस बच्ची को गिरा दिया, लड़का हो या लड़की, पेट के जिस बच्चे को मार दिया गया। मेरी बहनों सुनो, ओ मेरी कौम की बेटियों सुनो,
सुनो मेरी माओ सुनो, बहुत जल्दी कदम उठा देती हो तुम, हमल ठहर गया और तुम गई और गिरवा दिया, इस खात करा दिया, एबॉर्शन करा दिया। वो बच्चा पेट में 10 दिन का हो या 20 दिन का, 1 महीने का हो या 2 महीने का, जिस बच्चे को एबॉर्शन करके गिरा दिया जाता है, जिस बच्चे को पेट में ऑपरेशन करके मार कर निकाल दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन इस बच्चे को पूरी शक्ल देगा और इस बच्चे को उसकी माँ के साथ उठाएगा। ये बच्चा कयामत के दिन अपने माँ के बूब से, अपने माँ के पिस्तानों से लटका हुआ आएगा, अपने माँ के दूध से लटका हुआ आएगा, अपना मुंह अपने माँ के पिस्तान में लगाए हुए होगा। अचानक अल्लाह हुक्म देगा, आए बच्चे, आए इस माँ की गोद में, इसके दूध को पीने वाले बच्चे मुंह हटा और अपनी शिकायत पेश कर। वो बच्चा अपना मुंह हटाएगा, अपने माँ की पिस्तान से अपना मुंह हटाएगा, यकूलू और अल्लाह से ये शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी कतलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसकी गोद में मैं हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका दूध मैं पी रहा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने मुझे अपने पेड़ में पलने का मौका नहीं दिया और दुनिया ही में मेरी जान ले ली, आय अल्लाह मेरी शिकायत है कि मेरी माँ को तू जन्नत में दाखिल न कर, ये दुनिया में मेरी न हुई तू इसका मत हो, अय अल्लाह मेरी माँ को तू जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को तू जहन्नम के अंदर फेंक दे। वो छोटा सा बच्चा कयामत के दिन अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा जिस औरत ने अपने पेट के बच्चे को गिराया होगा। तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो, तहज्जुद की नमाज को पढ़कर अपने रूठे हुए रब को मना लो, वरना जन्नत में जाने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह ताला कयामत के दिन उस बच्चे को जबान देगा। और अगर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मजबूर किया नहीं गिराओ, तो शौहर को भी वो यानी अपने बाप को भी जहन्नम के अंदर ले जाएगा। अगर बाप ने मजबूर किया है माँ को, अपनी बीवी को, तो उसको भी जहन्नम में ले जाएगा। ये सब बातें सुन लो, यूपी से यही सब सुनने के लिए बुलाया जाता है मुझे। नमाज और रोजा तो तुम्हारे यहाँ के मौलवी भी बता देते हैं। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, और फजूल खर्ची सबसे ज्यादा कहां होती है? शादियों में। 4 लड़की 1 लड़का, मां कहती नहीं मेरे लड़के की शादी धूमधाम से होगी। घर में इतना बिगाड़ मर्दों की वजह से नहीं होता जितना औरतों की वजह से। बाप कह रहा है अरे क्या करोगे सेहरा एरा बांध, माँ कहती नहीं एक ही बेटा सेहरा। सेहरा जानते कैसा होता है? हाथी की सूंड की तरह लटके होते थे। पर्दा करने का हक औरत को दिया, वो तो वीडियो के सामने चेहरा खुलवाया, और मर्द का फूलों से हार से चेहरा छिपा दिया। ये सेहरा इस्लाम के अंदर हराम है, ये सेहरा जो आज चल रहा लटका हुआ है। सारी शर्म वहीं आ जाती है उस दिन। निकाह कबूल किया, एक तो ऐसा मिल गया हमको जिसका मैंने निकाह पढ़ाया मथुरा में, इतना शर्म आया। अब मैं उससे पूछ रहा हूं जोर से, इतने इतने रुपए मेहर के बस, फला फला नाम की लड़की, उसके बाप इतना इतना रुपए मेहर के बस, मैंने तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया, तुमने निकाह कबूल किया? मैंने कहा बोल निकाह कबूल किया, तो बोलता है मैं क्या बोलूं। मैंने कहा बोल हां मैंने कबूल किया, तो बोलता अब तो आपका हो गया। ऐसे ऐसे लोग निकले, मैं उसको बोल रहा हूं कि बोल हां मैंने निकाह कबूल किया, बोलता तो आपका हो गया। मैंने कहा ले जाऊं तेरी बीवी को, नहीं नहीं नहीं, अब बोला हां मैंने कबूल किया। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े, शर्मा भी रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं निकाह के मौके। एक और आदमी मिला जिसका निकाह पढ़ाने का मौका मिला, पहुंचा, मैंने कहा इसका निकाह मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मौलाना साहब 1 महीना पहले आपको बोल दिया था
मैंने कहा एक साल पहले भी बोला होता और यहां आने के बाद अब नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ? मैंने कहा इस लड़के के हाथ में मेहंदी लगी हुई है, ये तो सब लगाते हैं। मैंने कहा सब लगाते होंगे, मैंने जिसका निकाह पढ़ाया है उसके हाथ में मेहंदी नहीं लगी, ये पहला है। बोला मेहंदी लगा ली तो क्या हुआ? मैंने कहा हराम है। दाढ़ी में लगाते हैं? मैंने कहा दाढ़ी में और बाल में जायज है, जो चीज जायज है वो जायज है। सुन लो, मेहंदी केमिकल वाली नहीं जो आजकल चल रही है, पत्ते वाली मेहंदी मर्द अपनी दाढ़ी में और अपने बालों में लगा सकता है, जायज है, लेकिन अपने हाथों में और पैरों में मर्द के लिए मेहंदी लगाना हराम है, नहीं लगा सकता है। औरत लगा सकती है, सर में भी, बालों में भी, हाथों में भी, पैरों में भी, ये उसकी जीनत है, वो लगा सकती है, मर्द के लिए जायज नहीं है। कहने लगा मौलाना साहब निकाह तो आप ही को पढ़ाना है, अब मेहंदी का क्या करूं? मैंने कहा इसको हटाओ। बोला कैसे हटेगी? मैंने कहा मैं तेजाब मंगा रहा हूं, ऐसे हाथ जल जाएगा। मैंने कहा किसी और से पढ़वा ले। कुछ मौलवी अगर ऐसे हो जाएं जो शादी में ये देखें ये हराम काम है और निकाह ना पढ़ाएं, अभी मुआशरा संभल जाएगा, लेकिन मौलवी लोग भी जल्दी तैयार नहीं होंगे। क्यों? 1000 रुपए 500 रुपए का फायदा होता है, मौलाना साहब को भी कुछ मिल जाता है निकाह पढ़ाने के लिए, तो बेचारे क्यों वो अपना नुकसान करेंगे, और फिर कल उनके लड़के का भी यही हाल होना है। तो मेरे भाइयों, हम ये नहीं कह रहे कि सब मौलवी ऐसा करते हैं, मेरी भी शादी हुई है, मेरी शादी में एक भी आदमी बाराती नहीं था। मेरे ससुर कह रहे थे ये बारात है कि जनाजा, समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी जिस तरीके से हुई, जहां की मेरी शादी इटावा ही में, जहां का मैं रहने वाला हूं उसी शहर में हुई, लेकिन लड़की जहां की रहने वाली थी उसी के घर के बगल में मस्जिद थी, मेरी शादी उसी मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद हुई। और मैंने सिर्फ ये कहा आप लोग जितने नमाज पढ़ने वाले आए हो बैठ जाओ, मस्जिद के इमाम से कहा जो नमाज पढ़ा रहा था, मैंने कहा तुम मेरा निकाह पढ़ाओ, वहीं पर निकाह पढ़ा दिया गया। और ये वारे छुआरे ये सब जो चीज पढ़ता है ना, ये कोई भी चीज शरीयत में है नहीं। सुन लो, छुआरे दिए थे, आजकल छुआरे बांटे जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जरूर कहा है कि निकाह के बाद दूल्हा को दुल्हन को छुआरे खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि बारातियों को भी बांटना चाहिए, क्योंकि बारात का तसव्वुर है ही नहीं इस्लाम में, इस्लाम में बारात है ही नहीं, ये तो चोर है जो बाराती बन के जाते हैं। बुरा लग रहा है ना, चोर है। हाजी साहब बारात में जा रहे हैं, हज करके आए, दावत नहीं, सऊदी अरब का रुमाल भी डाले हुए हैं, मुंह में पान है, कहां जा रहे? बारात में जा रहे, बारात में जा रहे, कितना बड़ा जिहाद करने जा रहा है, कितना बड़ा जिहाद। अबे तुम बारात में नहीं जा रहे हो, उस मजबूर और बेबस लड़की के बाप के घर फूसने के लिए जा रहे हो, जो तुम्हारे लिए जायज नहीं। लड़की का बाप लड़की भी गई और तुम्हारे पेट की जहन्नम भी भरे, और बाकायदा क्या कहते हो साहब? 200 आदमी आ रहे हैं, देखो दहेज में कुछ कमी कर देना चलेगा, लेकिन मेरे मेहमानों के साथ इज्जत में कमी मत करना, मेहमानों की मेहमान और खातिरदारी में कमी मत करना। आप जानते हो इसका मतलब, मेहमान नवाजी में कमी मत करना, मतलब वो ये कह रहा है बढ़ेगा नहीं चलेगा चिकन और मटन खिलाना, वो अपनी जबान से नहीं कह रहा, इशारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? हमारे मेहमानों की जिनको हम लेके आए उनकी खातिरदारी में कमी मत करना, यानी इन चोरों को ठूस देना ताकि ये बुराई ना करें मेरी। अगर वो ना रखना रे मठेस लागे पूरे आप। लड़की वाले के यहाँ खाने की कोई दलील नहीं मिलती, अगर तुम्हें खिलाने का शौक है तो लड़के वाले खिलाएं। लड़का जब अपनी बीवी को विदा करके लाए और उस रात में वो अपने यहाँ रहे और
صحیح طریقہ یہی ہے کہ دونوں لوگ میاں اور بیوی اس رات میں خلوت میں مل لیں, آپس میں بات چیت کر لیں, اس کے دوسرے دن ولیمہ کیا جائے, یہ صحیح ہے. سنو, ولیمے کے لیے دونوں کا جمع کرنا اور ہم بستری کرنا یا جسمانی تعلق بنانا یہ ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ولیمہ تبھی ہوگا جب میاں اور بیوی دونوں جسمانی تعلق قائم کر لیں. غلط ہے سوچ. میاں اور بیوی آپس میں گفتگو کر لیں, دعا سلام کر لیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, پھر بیوی کہہ دے کہ آج مجھے بخار آ گیا ہے یا میرے سر میں درد ہے, میں تو تمہاری بیوی ہوئی, میں تو زندگی بھر تمہارے ساتھ رہوں گی, آج صبر کر لو, آج مت ملو, پھر دیکھ لیں گے. شوہر اپنی بیوی کی بات اگر مان گیا, الگ سلیک تو ہو گئی, دعا سلام ہو گئی, وہ دوسرے دن ولیمہ کر سکتا ہے, جائز ہے, بخار بھی نہیں ہے. دونوں میں آپس میں یہ مشورہ ہو گیا, آج پہلا دن ہے, پہلی رات ہے, ہمیں بھی شرم آتی ہے, مجھے ایک دن کھل جانا چاہیے, مجھے ایک دن کا موقع دو, اور شوہر اپنی بیوی کی بات مان لے, کوئی بیماری نہیں ہے. اس کے بعد بھی شوہر دوسرے دن ولیمہ کر سکتا ہے. ولیمے کے لیے جسمانی تعلقات کا قائم ہونا ضروری نہیں ہے, آپس میں دعا سلام ہو جانا بس کافی ہے, اس کے بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے. اور ولیمہ ایک دن نہیں, تمہیں اللہ نے دولت دی ہے, پیسہ دیا ہے, تو دوسرے دن بھی کھلاؤ, تیسرے دن بھی کھلاؤ, چوتھے دن بھی کھلاؤ. ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے آٹھ آٹھ دن کھانا کھلایا ہے, ولیمے کا کھانا کھلایا ہے. لڑکی والوں کی چور بن کے کیوں جاتے ہو, ان کے اوپر زور کیوں دیتے ہو؟ اگر تمہیں ہی خرچ کرنا ہے تو آٹھ آٹھ دن کھانا کھلاؤ, بیس دن کھانا کھلاؤ, ایک مہینہ کھانا کھلاؤ, لیکن لڑکے کے لوگ کھلائیں گے, لڑکے والے کھلائیں گے, لڑکی والے نہیں. مولانا صاحب دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی, بیس بیس دن بھی کھلا سکتے ہیں. ہاں کیوں نہیں. ہاں دلیل میرے بھائیو, فضول خرچی سے بچو. اب آپ یہ کہو گے مولانا ایک دن تو کھلا دیا, دوسرے دن کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ نہیں ہے. پہلے دن سنت ہے, آپ نے سنت سمجھ کے کھلا دیا, چونکہ صحابی سے آٹھ دن بھی کھلانا ثابت ہے, اس لیے اگر تم بھی کھلانا چاہو تو یہ فضول خرچی میں نہیں ہوگا, یہ جائز ہے, کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. میرے بھائیو, جس کی دلیل موجود ہے اس میں فضول خرچی نہیں. جیسے اس مدرسے کو پچاس ہزار روپے کی ضرورت ہے, ہم نے ایک لاکھ دے دیا, یہ فضول خرچی نہیں ہے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں کہلاتا ہے, یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بننے کا سبب بنتا ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو. فضول خرچی تو یہ ہے کہ ہم شادی میں اتنا لمبا چوڑا خرچہ کریں کہ لڑکی والوں کو بیس جوڑے بیس ساڑی خرید کر دیں, ایک دو تولے سونے میں کام چل سکتا ہے, دس تولے سونا ہم لا کر دیں. ہاں میرے بھائیوں, فضول خرچی تو یہ ہے کہ ہم شادی میں اتنے خرچے بڑھا دیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, لوگوں لوگوں نکاح کو اتنا آسان کر دو, نکاح کو اتنا آسان کر دو, شادی کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے. آج ہم نے زنا کاری اتنی آسان کر دی کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا. آؤ تمہیں بخاری کی حدیث سناتا ہوں. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی, میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, میرے بھائی بھی نہیں ہے, میری ماں بھی نہیں ہے, اے اللہ کے نبی میں بدحال ہوں اور مجھے سہارے کی ضرورت ہے, اور میری نظر میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ سے شادی کرنے کے لیے میں آئی ہوں. اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کر لی. اس عورت نے دوسری بار کہا, آپ نے جواب نہیں دیا, آپ پھر خاموش ہو گئے. اس نے کہا, اے اللہ کے نبی, میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں. آپ پھر بھی خاموش رہے. ایک صحابی بیٹھے ہیں وہیں پر, بار بار دیکھ رہے ہیں, یہ عورت بار بار کہہ رہی ہے اور اللہ کے رسول کو جواب نہیں دے رہے, تو کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, وہ بار بار کہہ رہی ہے شادی شادی شادی, آپ سے کرنا چاہتی ہے, ارے آپ کو کرنا ہو تو ہاں میں جواب دے دیجیے. آپ نے کہا, اور اگر نہ کرنا ہو تو, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجیے, مجھے بھی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے کہا, تمہیں ضرورت ہے؟ ہاں.
اس عورت سے کہا کہ دیکھو میں تو نہیں کر سکتا ہوں شادی, میں بس کافی ہے میرے لیے اتنی, اگر اس کے ساتھ کرنا چاہو تو بتا. اس نے کہا آئی تو ہوں آپ کے لیے, لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو شادی تو زبردستی نہیں ہوتی ہے, تو پھر اس کے ساتھ میں کر لوں. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے کہہ سکتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. لڑکی کہہ سکتی ہے, وہ عورت اللہ کے رسول سے کہہ رہی ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, کوئی لڑکی کہہ سکتی ہے. لڑکی کسی بھی لڑکے سے کہہ سکتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, لڑکا بھی کسی بھی لڑکی سے کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن کوئی لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر نہیں سکتی بغیر ولی کے, بغیر سرپرست کے. کہہ تو سکتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, لیکن لڑکا تیار ہے ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا, لیکن لڑکی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے ماں باپ اجازت نہیں دیں گے. اب ماں باپ اجازت نہیں دیں تو لڑکی سامان لے کے بھاگ جائے. یہ کون سا گاؤں ہے؟ آنگن آنگن منی. اب کوئی لڑکی مالدہ سے بھاگ کے آئی, آنگن منی کا کوئی لڑکا ہے, مالدہ کی کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے, لڑکی شادی کرنا چاہتی لڑکا بھی, لیکن لڑکی کے ماں باپ تیار ہیں میں اس سے شادی کروں گا, نہ کماتا ہے نہ خود تو کھانے کو ہے نہیں, میری بیٹی کو کیا کھلائے گا. لیکن لو از بلائنڈ, پیار اندھا ہوتا ہے. لڑکی نے کہا میرا باپ تو کر نہیں رہا, میں بھاگ کے آ رہی ہوں. اس نے کہا جاؤ, وہ آ گئی. اب آنگن منی کے لوگ کہنے لگے بھائی تو اپنے باپ کو بلوا, اگر میرے باپ تو نہیں آ رہے, وہ آئیں گے تو ہمیں کچا کھا جائیں گے موٹا, اور شادی کروں گی تو میں اسی کے ساتھ کروں گی. اب آنگن